हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि बिटुमेन कोटिंग क्या होती है, फूडिंग पर कहाँ होती है। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको आज साइट पर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये जो फूडिंग का सरफेस आप देख रहे हैं, पूरा सरफेस, ये हमारा फूडिंग कंप्लीट हो गया है और ये पूरे फूडिंग के चारों तरफ बिटुमेन कोटिंग की गई है। इसको एक और वर्ड में ब्लैक जापान कोटिंग भी बोला जाता है। और अभी ये जो फूडिंग का टॉप सरफेस देख रहे हैं, ये टॉप सरफेस को क्लीन करके अप टू क्लीन लेवल कॉलम में भी ये बिटुमेन कोटिंग होगा। तो अभी देखिए, ये फूडिंग में हम लोग टॉप कोटिंग करने जा रहे हैं, तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करके उसको पानी से वॉश करके थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसका बिटुमेन कोटिंग कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फूडिंग और ये कॉलम पूरा हम लोग ने बिटुमेन कोटिंग की हुई है। असल में फूडिंग के टॉप पर कोटिंग का काम चालू है, इस वजह से आपको ऐसा रफ सरफेस दिख रहा है। तो बिटुमेन कोटिंग का पर्पज़ ये होता है कि एक तरीके का बिलो क्लीन जो है वो एंटी टर्माइट का काम करता है, क्योंकि आपका जो फूडिंग है वो एक बहुत मेन पार्ट होता है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का। इस वजह से वो और भी दूसरे रेसिड्यू मटेरियल्स और कीड़ों मकोड़ों से उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग बिटुमेन कोटिंग करते हैं। और सॉइल का इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे फूडिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से भी हम लोग बिटुमेन कोटिंग करते हैं। बहरहाल बिटुमेन कोटिंग जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी फूडिंग की सेफ्टी के लिए। बिटुमेन कोटिंग एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे फूडिंग के सरफेस को। तो होप यू, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बिटुमेन कोटिंग क्या होती है, हम लोग इसे क्यों करते हैं। बैक फिलिंग भी देखिए, एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों का बैक फिलिंग भी शुरू हो चुका है एक साइड से। तो पहले हम लोगों ने फूडिंग के लेवल तक जो है पूरा बिटुमेन कोटिंग कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसके बाद हम लोग ये पोर्शन से बैक फिलिंग कम्प्लीट करते आ रहे। तो होप ये नॉलेज आप लोगों को यूज़फुल होगी जब आप साइट पर जाएंगे।